हम सब जानते हैं कि आज से 77 वर्ष पूर्व यह देश आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता का वकालखंड अचानक एक दिन में नहीं आया, एक लंबे संघर्ष के उपरांत, लंबे आंदोलन के उपरांत यह दिन हम सबको प्राप्त हुआ। आज का यह दिवस हम सब के लिए आजादी के उन नायकों महानायकों के सपनों को साकार करने का संकल्प का दिवस है। आज का यह अवसर भारत माता के उन महान सपूतों को स्मरण करने के साथ ही हम सबको उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है आजादी के अमृत काल के तृतीय चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इस देश का यशस्वी नेतृत्व आजादी के अमृत काल के इस प्रथम दशक में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षित हाथों में आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हमने पिछले 10 वर्ष के दौरान एक नए भारत का दर्शन किया है। यह नया भारत एक भारत भी है तो श्रेष्ठ भारत भी है। 10 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति प्रत्येक क्षेत्र में की है। देश की प्रगति के साथ हम भी सहभागी बन सके। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंच प्रण का स्मरण कराया था। यह पंच प्रण आजादी के उन्हीं संकल्पों को पूरा करने के प्रत्येक नागरिक के अपने दायित्व को जोड़ने का एक प्रण है, एक अभियान है, और उस अभियान का हिस्सा हम सब बन सके इसके लिए उन्होंने जो आह्वान देशवासियों का किया, उस आह्वान के साथ जुड़ते हुए राज्य सरकार ने भी लगातार प्रयास किए। ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान एक नई यात्रा प्रारंभ किया है। ये यात्रा समृद्धि की यात्रा है, ये यात्रा सुरक्षा की यात्रा है, ये यात्रा प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने की यात्रा है, और इस यात्रा के स्वागत परिणाम भी अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब ने इस बात को देखा है कि उत्तर प्रदेश अगर भारत ने 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की यात्रा प्रारंभ की है, तो उत्तर प्रदेश ने 7 वर्ष के दौरान देश की 6वीं-7वीं अर्थव्यवस्था से आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक स्थान बनाया है।